हेलो फ्रेंड्स, तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे अगर आप कंप्यूटर में कॉन्फ़िगरेशन चेक करना चाहते हैं तो कंप्यूटर का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, कंप्यूटर में आपका रैम कितना है, हार्ड डिस्क कितना है, आपका प्रोसेसर कौन सा है, कौन से जनरेशन का है, सब कुछ आप चेक कर सकते हैं। कैसे चेक कर सकते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, और वीडियो अच्छा लगे तो उनको सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले आपको ये सब चेक करने के लिए आपको जाना होगा दिस पीसी में। तो दिस पीसी यहाँ पे आप देख सकते हैं टास्क बार में शो हो रहा है, तो यहाँ पे शो हो रहा है, आप जा सकते हैं, यहाँ से भी जा सकते हैं या फिर आप यहाँ पे सर्च करके जा सकते हैं। जैसे यहाँ पे सर्च बॉक्स में आपको सर्च करना है दिस पीसी, तो ये दिस पीसी यहाँ पे आप देख सकते हैं शो हो रहा है, तो आपको इसमें क्लिक करना है। तो दिस पीसी ओपन होने के बाद आपको यहाँ पे जो है आपका पहले आपका ड्राइव दिखेगा, आपका कितना मेमोरी है, मतलब आपका जो हार्ड ड्राइव है कितना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लोकल डिस्क सी डी ई और एफ, ये चार ड्राइव दिखा रहा है। नॉर्मली तीन ड्राइव होता है कंप्यूटर में, यहाँ पे चार क्यों दिखा रहा है, क्योंकि चार इसलिए दिखा रहा है क्योंकि इसमें दो हार्ड ड्राइव है, मतलब एक एसएसडी है और एक हार्ड डिस्क है, तो दो मतलब इसमें हार्ड ड्राइव लगा हुआ है। तो एसएसडी जो है, ये जो है एसएसडी में सिस्टम इंस्टॉल है, मतलब सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है एसएसडी में इंस्टॉल है, ऑपरेटिंग सिस्टम। और बाकी जो यहाँ पे तीन ड्राइव दिख रहा है ये हार्ड ड्राइव का है, हार्ड डिस्क का है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये तीन ड्राइव है, तो इसलिए यहाँ पे चार ड्राइव दिखा रहा है। तो इस ये जो वन ड्राइव दिखा रहा है ये 128 GB का SSD लगा हुआ है, और बाकी जो है हार्ड ड्राइव लगा हुआ है, हार्ड डिस्क लगा हुआ है। और इसको भी मैं तीन ड्राइव बना सकता हूँ, तो टोटल 6 ड्राइव भी यहाँ पे मैं बना सकता हूँ। और तो ये हो गया आपका हार्ड डिस्क और SSD कितना है। आप यहाँ पे स्पेस आप चेक कर सकते हैं कितना खाली है और कितना फुल है। और तो ये तो हो गया आपका स्टोरेज आप यहाँ से देख सकते हो। और बाकी जो आपका रैम प्रोसेसर ये सब चेक करने के लिए आपको ये खाली जगह पे आपको राइट क्लिक करना है, माउस से राइट क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आप नीचे प्रॉपर्टीज़ दिखेगा, आपको प्रॉपर्टीज़ में क्लिक करना है, उसके बाद जो है आपका विंडो खुल जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो विंडोज़ 10 जो है ऑपरेटिंग सिस्टम आपको दिखा रहा है, और यहाँ पे जो सिस्टम में देखेंगे तो प्रोसेसर जो है इंटेल कोर i5 3570, CPU जो है 3.40 GHz का आपका प्रोसेसर है, उसका क्लॉक स्पीड है, और ये जो i5 का प्रोसेसर है, और यहाँ पे इंस्टॉल मेमोरी जो रैम है वो 8 GB का रैम है, यहाँ पे 7.89 GB जो है यूजेबल दिखा रहा है। और सिस्टम टाइप ऑपरेटिंग सिस्टम जो है कितने बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम है, आप यहाँ पे देख सकते हैं 64 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आप यहाँ पे सब कुछ चेक कर सकते हैं, आपका रैम प्रोसेसर और आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कितना बीट का है, तो सब कुछ आप ऐसे चेक कर सकते हो। तो आज के इस वीडियो में इतना। वीडियो अच्छा लगे तो उनको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।